जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन आया मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का तूफान। अकेले दम पर ही झटक लिए इतने विकेट, भारत को जीत की तरफ बढ़ाया। तो इसमें दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने कितनी खतरनाक गेंदबाजी करवाई और भारतीय टीम को जीत की तरफ अब एक बार फिर से ढकेल दिया है। तो पूरी जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। और वही दोस्तों यहाँ पर हम क्रिकेट जगत से जुड़ी काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरों के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये होगी कि जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, तोड़े कई महारिकॉर्ड, बने ऐसे पहले गेंदबाज, शमी को पछाड़ा। तो इसके बारे में भी पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि आखिरकार उन्होंने कौन से वो चार बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो वही जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये होगी, एशिया कप में इस दिन पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत, गांगुली ने कही ये बड़ी बात। तो जानेंगे कि गांगुली ने क्या बयान दिया और किस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। तो आप इन सभी जानकारी को जरूर जानिएगा। और वहीं अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला जीते तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यूजीलैंड के हेगले ओवल क्राइस्टचर्च मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर पहले दिन भारतीय टीम ने अपने पूरे 10 विकेट खोकर 242 रन बनाए थे और भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा जो रन बनाए थे वो हनुमा बिहारी ने बनाए थे। जी हां, हनुमा बिहारी ने 55 रनों की शानदार पारी खेली थी और वहीं उनके साथ चितेश्वर पुजारा और पृथ्वी शॉ ने भी अपना अपना अर्धशतक लगाया। लेकिन यहां पर बाकी सभी बल्लेबाजों ने काफी निराश किया और भारतीय टीम को ऐसा लग रहा था कि अब तो शायद भारतीय टीम का जीतना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि पहले दिन न्यूजीलैंड की टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा था और भारतीय टीम की स्थिति ज्यादा नाजुक लग रही थी। लेकिन आज दूसरे दिन तो मानो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का मुंह तोड़ दिया है हमारे भारतीय गेंदबाजों ने। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के एक के बाद एक विकेट भारतीय टीम के लेते चले गए और न्यूजीलैंड की टीम को अब हार के मुंह में धकेल दिया है। जैसे कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में देख पा रहे होंगे कि दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम ने आज 73.1 ओवर में 235 रन बनाए और पूरे 10 के 10 विकेट अपने खो दिए हैं। तो वही हम आपको बताएं, न्यूजीलैंड टीम की तरफ से टॉम लैथम, जिन्होंने 52 रनों की बेहतरीन पारी खेली, उन्हें मोहम्मद शमी ने बोल्ड आउट करा। तो वही उनका साथ देने आए थे टॉम ब्लेंडन ने मात्र 30 रन बनाए और उन्हें उमेश यादव ने LBW आउट किया। तो अब बात आती है जसप्रीत बुमराह की, जो कि आज दोबारा फिर से फॉर्म में वापस आए और उन्होंने आज न्यूजीलैंड के शानदार बल्लेबाजों के विकेट लिए। जी हां, पहला विकेट तो जसप्रीत बुमराह ने केन विलियमसन का लिया, जिन्हें मात्र 3 रन बनाकर ही पवेलियन भेज दिया जसप्रीत बुमराह ने। और वहीं फिर जसप्रीत बुमराह ने कमाल दिखाते हुए विजय बैटलिंग का भी विकेट लिया और उन्हें 0 रन पर ही आउट कर दिया। और वहीं आप यहां पे देख सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह ने टीम साउदी को भी 0 रन पर ही आउट कर दिया, जिसके चलते आज जसप्रीत बुमराह ने आज 22 ओवर डाले, जिसमें से आज उन्होंने 5 ओवर मेडन डाले और रन दिए 62 और विकेट लिए 3। तो जिसके चलते आज जसप्रीत बुमराह का दूसरे दिन तो सही में तूफान आ गया। तो वहीं अब बात करें मोहम्मद शमी की, तो मोहम्मद शमी ने तो मानो कमाल ही करके दिखा दिया। जी हां, मोहम्मद शमी ने यहां पर टॉम लैथम का विकेट लिया, हेनरी निकोलस का विकेट लिया, फिर काइल जेमिसन का विकेट लिया, जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज तो शायद ये आउट हो। लेकिन यहां पर मोहम्मद शमी ने काइल जेमिसन को आउट कर भारतीय टीम जीत की तरफ अग्रसर करवाया। तो आप यहां पे देख सकते हैं काइल जेमिसन 63 गेंदों पे 49 रन बनाकर यहां पर खेल रहे थे और वहीं मोहम्मद शमी ने फिर नील वेगनर का विकेट लिया, जो कि 21 रन पर आउट हुए। तो कुल मिलाकर आज के इस मुकाबले में मोहम्मद शमी ने 4 विकेट हासिल किए 23.1 ओवर में, जिसमें उन्होंने 3 ओवर मेडन डाले और 81 रन दिए थे। तो वहीं बात करें उमेश यादव की, तो उमेश यादव ने यहां पर 1 विकेट लिया और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट हासिल किए थे। तो ऐसे में दोस्तों आप यहां पे पूरा स्कोर कार्ड और आंकड़े भी देख सकते हैं। तो आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, क्या जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं अपने मैचों में जैसा वो पहले खेलते थे, और वो आगे आने वाले समय में क्या ताबड़तोड़ गेंदबाजी हमें दिखा पाएंगे या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, तोड़े कई महारिकॉर्ड, बने ऐसे पहले गेंदबाज, शमी को पछाड़ा। जी हां दोस्तों, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जसप्रीत बुमराह ने आज के इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन काफी शानदार गेंदबाजी करी और उन्होंने स्टार्टिंग में आते से ही 2 विकेट चटका दिए थे, जिसके चलते उन्होंने ये महारिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि लंच के बाद बुमराह ने मेजबान टीम को जो झटके दिए थे उनसे उन्होंने कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। तो दोस्तों यहां पर जो पहला बड़ा रिकॉर्ड निकल कर आता है वो ये है कि बुमराह ने टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट अर्जित करने के मामले में केशव महाराज और ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने 16-16 विकेट हासिल किए थे, उनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और वो नंबर 1 पर आ चुके हैं। तो वहीं बात करें दूसरे रिकॉर्ड के बारे में, जो दूसरा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने वो ये है कि टेस्ट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में जसप्रीत बुमराह ने भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 63
विकेट लिए थे उनके रिकॉर्ड को पीछे आज छोड़ दिया है। तो वहीं बात करें तीसरे रिकॉर्ड के बारे में, जो तीसरा बड़ा रिकॉर्ड निकल कर आता है वो ये है कि इस वर्ष टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में जसप्रीत बुमराह ने शमी के 3 विकेट को पीछे छोड़ दिया है। तो ये रिकॉर्ड भी उन्होंने आज हासिल कर लिया। और वहीं अब बात करें चौथे और अंतिम रिकॉर्ड के बारे में, जो चौथा और अंतिम रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है वो ये है कि इस वर्ष टेस्ट में सबसे ज्यादा ओवर मेडन डालने के मामले में जसप्रीत बुमराह ने ईशांत शर्मा, जिन्होंने इस साल 6 ओवर मेडन डाले थे, उनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो इसी के साथ इस वर्ष टेस्ट में बुमराह सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले भारत के पहले तेज गेंदबाज भी बन गए हैं। तो इसमें आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हो कि जसप्रीत बुमराह धीरे धीरे फॉर्म में वापस आ रहे हैं या फिर नहीं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि एशिया कप में इस दिन होगा पाकिस्तान और भारत का मैच, गांगुली ने बताई ये बात। जी हां दोस्तों, अब ये साफ हो चुका है कि भारत इस साल पाकिस्तान की मेजबानी होने वाले एशिया कप में हिस्सा लेगा। तो वहीं बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस बात की पुष्टि कर दी है। और वहीं हालांकि हम आपको बताएं कि ये जो मैच होंगे वो दुबई में खेले जाएंगे, क्योंकि भारत द्वारा सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तान का दौरा करने से भारतीय खिलाड़ियों ने साफ सीधी मना कर दी थी। तो जिसके बाद अब ये मुकाबले जो होंगे वो दुबई में करवाए जाएंगे। तो अब हम आपको बताएं कि सौरव गांगुली ने एक बातचीत के दौरान कहा है कि एशिया कप का आयोजन अब दुबई में होगा, भारत और पाकिस्तान की टीमों को इस टूर्नामेंट में अपनी चुनौती पेश करने का मौका मिलेगा। तो वहीं इस साल सितंबर और अक्टूबर में आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में भारत 27 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा। तो इसमें आप सभी 27 सितंबर के दिन देख सकेंगे कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला खेला जाएगा। तो आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हो, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को सूर्य कुमार यादव के बारे में तो काफी कुछ बातें पता ही होंगी, और आप ये भी जानते होंगे कि इस खिलाड़ी ने आईपीएल और घरेलू टूर्नामेंट में सभी को खूब प्रभावित किया है, और जितने इन्होंने आज तक रन बनाए हैं उतने रन शायद ही किसी ने अब तक बनाए होंगे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इन्हें भारतीय टीम की तरफ से खेलने का कि आज एक टी20 मुकाबले में इन्होंने कैसे 143 नाबाद रहते हुए रन बना दिए, तो पूरा मैच का हाल हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो वहीं दोस्तों एक तरफ जहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया तो उसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं किया। तो वहीं विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे जैसे खतरनाक बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर सके और मात्र 3 और 7 रन बना बनाकर आउट हुए। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ जहां पर सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे तो उन्होंने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर डाली। जी दोस्तों ये बात है, शनिवार को डीवाई पाटिल टी20 टूर्नामेंट खेला जा रहा था जहां पर बीपीसीएल टीम की ओर से खेलते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टी20 मैच में 143 रनों की शानदार ताबड़तोड़ पारी खेल दी। तो वहीं हम आपको बताएं कि मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी बीपीसीएल की टीम ने अखिल का विकेट काफी जल्दी खो दिया था, लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे और उन्होंने आकर्षित गुमेल के साथ मिलकर काफी शानदार ताबड़तोड़ पारी खेली। जी हां दोस्तों, यहां पर आकर्षित गुमेल ने 48 गेंदों में 100 रनों की बार-बार स्ट्राइक पर आ रहे थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने आज के इस मुकाबले में मात्र 63 गेंदों में 143 रनों की बेहतरीन पारी खेली। जी हां दोस्तों, आप लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल होगा, और वो 143 रन बनाकर पूरे नाबाद वहां पर टिके भी हुए थे। तो वहीं अगर हम बात करें कि इस दौरान उन्होंने कितने छक्के मारे तो दोस्तों इस मैच में उन्होंने 7 चौके और 14 छक्के लगाए, जो कि एक काबिलियत तारीफ है। और वहीं बीपीसीएल की टीम ने इस पूरे मैच में अपने 4 विकेट खोकर 259 रन बनाए। और वहीं बॉलरों की बात करें तो बॉलरों के आप यहां पे आंकड़े देख सकते हैं कि किसने कितने कितने रन दिए। सबसे ज्यादा जो महंगे साबित हुए वो थे विनीत सिन्हा, और फिर दूसरे नंबर पर शशांक सिंह, और आज के इस मुकाबले से पहले भारत की टीम 3 ऑलरेडी मुकाबले जीत चुकी थी और पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर चल रही थी। तो वहीं 29 फरवरी को भारत और श्रीलंका के बीच में एक और मैच खेला गया, और इस मैच में श्रीलंका की टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं श्रीलंका की टीम ने शुरुआत में तो काफी अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन श्रीलंका की टीम धीरे धीरे अपने विकेट गिराती चली गई, और श्रीलंका की टीम एक ऐसे पायदान पर आ गई जब 20 ओवर में श्रीलंका की टीम के 9 की शानदार पारी खेली, और वहीं दिलहारी ने 25 रनों की शानदार पारी खेली, और वहीं श्रीवर्धनवी ने यहाँ पर 12 रन बनाए, और बाकी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं उनका स्कोर कार्ड। तो वहीं बात करें भारतीय टीम की गेंदबाजी की, तो भारतीय टीम की गेंदबाजी में सबसे ज्यादा जो सफल गेंदबाज रही वो रही राधा, जिन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, और सभी महत्वपूर्ण विकेट इन्होंने ही हासिल किए इस मुकाबले में। और वहीं राजेश्वरी ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, दीप्ति ने 16 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, तो वहीं पूनम ने 20 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, और इसी के साथ पहली इनिंग खत्म हुई। तो अब बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से आज के अगली और ऐसी जानकारी में, और वहीं हमें उम्मीद है कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।